हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे हम कार का ब्लूटूथ यूज कर सकते हैं, कैसे हम अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट कर सकते हैं कार से विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ। इसके लिए आपके मोबाइल में ब्लूटूथ होना जरूरी है और आपकी कार भी ब्लूटूथ अनेबल होनी चाहिए। और हम सीखेंगे कैसे हम फोन कॉलिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ और कैसे लिसनिंग ऑफ म्यूजिक कर सकते हैं। आप सभी को पता है ये म्यूजिक सिस्टम है और अगर हमें इसे ऑन करना है तो हम यहाँ पर पुश करेंगे इस बटन को और आप देख सकते हैं ये अभी FM ऑपरेट हो रहा है और यहाँ से हम चैनल चेंज करके FM सुन सकते हैं। और यहाँ से हम वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं कम ज्यादा। अब अगर हमें अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट करना है अपने कार से तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील पे आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लूटूथ का बटन है और ये फोन उठा पिक करने का, ये फोन कट करने का। तो हम ब्लूटूथ के बटन को क्लिक करेंगे ब्लूटूथ सेटअप के लिए और यहां पर हम अपने मोबाइल पे ब्लूटूथ को ऑन कर देंगे। हमने हमारे मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन हो गया है और हम यहां पर इसको थोड़ा सा आगे की तरफ घुमाएंगे ब्लूटूथ सेटअप ब्लूटूथ पे फिर क्लिक करेंगे और ब्लूटूथ पेयरिंग पे फिर एक क्लिक करके ब्लूटूथ पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। अब हमारे मोबाइल में हमें देखना होगा अभी ये पहले से जो कनेक्टेड ब्लूटूथ है उनके ऑप्शंस आ रहे हैं लेकिन हमें नया वाला ब्लूटूथ सर्च करना है तो हम मोर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहां पे थोड़ा वेट करेंगे। देखिए कार ऑडियो लिखा हुआ आ गया है। इस तरीके से आप ब्लूटूथ सर्च कर लेंगे और कार ऑडियो पे क्लिक करके इसे कनेक्ट करेंगे। कार ऑडियो कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया है और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं अंकुर मोटो G2 कनेक्टेड, जो मेरे ब्लूटूथ का नाम है उससे ये मोबाइल फोन कनेक्ट हो गया है। अब हमें जस्ट रिवर्स करना है बैक साइड और गो बैक पे क्लिक करना है, फिर दोबारा एक बार पीछे करना है, गो बैक पे क्लिक करना है। अब हमें स्टीयरिंग व्हील में जो ऑप्शन दे रखे हैं यहां पर आप एक मोड शब्द देख रहे हैं, इस मोड वाले बटन को क्लिक करेंगे और आपके फोन में ब्लूटूथ तो कनेक्ट हो गया है और हमें कोई भी सॉन्ग सुनना है वो सुन सकेंगे। हम यहाँ पे मोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ मीडिया पे क्लिक करेंगे और हमारी कार मोबाइल में जो भी सॉन्ग चल रहा होगा वो हम हमारी कार में भी चला सकते हैं। जैसे अभी डियर जिंदगी का चल रहा है और अगर मुझे ये बेसर भी वाला सॉन्ग सुनना है तो वो भी हम आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल का सॉन्ग मैं कार में चला रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ। तो इस तरीके से आप ब्लूटूथ से अपने मोबाइल और कार को कनेक्ट कर सकते हैं। और सॉन्ग तो आप सुन ही सकते हैं और इसका एक और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको कोई वायरिंग, कोई भी वायरिंग इससे अटैच नहीं करनी है, कोई USB पोर्ट से कोई भी वायरिंग को आपको कनेक्ट नहीं करना है। बिना कनेक्ट करे आप ब्लूटूथ की मदद से गाना सुन सकते हैं, फोन कॉलिंग कर सकते हैं,
और डिफरेंट ऑपरेशंस जो भी हैं ब्लूटूथ के जरिए हो सकते हैं वो कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको आ गया होगा कि किस तरीके से हम ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल को और कार को। और यहां से हम इसे बंद कर देंगे। और एक और बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, आपको हर समय ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आपको अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए अपने मोबाइल को और कार को ये प्रोसीजर से गुजरना होगा। आपको सिर्फ ये वन टाइम करना होगा और एक बार करने के बाद आपको नेक्स्ट टाइम ये चीज नहीं करनी है विद द सेम फोन के साथ। अगर आपका कोई दूसरा फोन है, कोई नया फोन है, तो आपको ये प्रोसीजर से गुजरना होगा जो मैंने आपको अभी बताया इस वीडियो में। लेकिन अगर आपका यही फोन आप कार में यूज करते हैं, कोई दूसरा यूज नहीं करते, इसी को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं और आपने इसे एक बार कनेक्ट कर दिया है, तो नेक्स्ट टाइम आपको इसने लंबे प्रोसीजर से नहीं गुजरना है। आपको सिंपली जैसे पुश बटन से हमने ऑन करा और ये हमारा FM चल रहा है, तो हमें ये सिर्फ ये मीडिया जो बटन है इस पे क्लिक करना है। आपका जो फोन है उसका ब्लूटूथ ऑलरेडी ऑन है, ये क्लिक करना है और आपका देखिए सॉन्ग चल गया है, आपका ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया है। तो अगर आपका ऑलरेडी एक बार आपको एस्टेब्लिश करना है सेटअप, उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइम नहीं करना है। एक बार आप जब आप सेटअप कर देंगे उसके बाद आपको दोबारा नहीं करना। अगर आपका नया फोन है तो आपको दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा उसी प्रोसीजर से। लेकिन अगर आपने एक बार किसी फोन को इससे कनेक्ट कर रखा है तो नेक्स्ट टाइम आपको उस फोन से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल एक मीडिया बटन पे क्लिक करना है और आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा आपके कार के ब्लूटूथ से। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है इस कार के अंदर और सभी जो भी ब्लूटूथ अनेबल्ड कार है उनमें होता है। और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर हम चाहते हैं यहाँ पर अपनी फोन बुक देखना, मिस्ड कॉल की डिटेल्स, आउटगोइंग कॉल की डिटेल्स, इनकमिंग कॉल की डिटेल्स, तो वो भी हम इस डिस्प्ले में देखकर कर सकते हैं और चाहे तो उसके रिगार्डिंग स्टेप्स भी ले सकते हैं। आपको पता ही है मैंने अपने मोबाइल फोन से ब्लूटूथ से कार के ब्लूटूथ को कनेक्ट कर रखा है और अब अगर मुझे देखना है कि कैसे करना है तो आप ये देख सकते हैं ब्लूटूथ का बटन है, इस पर हम क्लिक नहीं करेंगे। ये फोन पिक करने वाला बटन है, फोन कट करने वाला है, पिक वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं ब्लूटूथ फोन बुक यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। अब हम इसको यहाँ पर रोटेट करके स्पीड डायल्स में जो नंबर है, मिस्ड कॉल्स में जो नंबर है, इनकमिंग कॉल्स, आउटगोइंग कॉल्स, यहाँ पे पुश करके डिटेल्स देख सकते हैं और उनको अगर दोबारा कॉल करना है तो इसी बटन को पुश करके उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक्स गाइस।